का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है और सुनवाई को 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। यूजीसी के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसके पास मामला सुनवाई के लिए आ जाने का ये मतलब नहीं है कि अब परीक्षाओं पर रोक लगनी तय हो गई है। इसलिए जो छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। कायदा कानून के इस वीडियो में देश के लाखों कॉलेज छात्रों की दिलचस्पी वाले इसी खबर की बात। इसी विषय पर अपने पिछले वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं कि इस मसले पर प्रणीत समेत 31 छात्रों जो कि अलग अलग विश्वविद्यालय के हैं, यश दुबे नाम के कानून के छात्र, शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। पश्चिम बंगाल के कॉलेज शिक्षकों की एक संस्था ने भी मामले में याचिका दाखिल की है। इन सभी याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी के उन गाइडलाइंस का विरोध किया गया है, उन्हें गलत बताया गया है, जिनमें देश के विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन कर लेने के लिए कहा गया था। इन याचिकाओं में कहा गया है कि देश में जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैली हुई है उसके मद्देनजर अभी परीक्षाओं का आयोजन छात्रों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूजीसी से इस मसले पर जवाब मांगा था। यूजीसी ने हलफनामा दायर कर ये बताया कोर्ट को कि उसने जो फैसला लिया है परीक्षाओं के आयोजन का वो छात्रों के हित में ही लिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प है छात्रों के लिए और जो ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन परीक्षा का भी विकल्प है। हर तरह से छात्रों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, उन्हें बीमार नहीं पड़ने दिया जाएगा, पूरी जिम्मेदारी से काम किया जाएगा, लेकिन परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। आज इस मसले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से दलीलों की कमान संभाली वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कि यश दुबे नाम के याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए थे। सिंघवी ने दलील दी कि 6 जुलाई को यूजीसी ने जो निर्देश जारी किए थे वो ऐसा लगता है कि बिना कोई सोच विचार किए जारी कर दिए गए थे और अब याचिकाओं पर जो जवाब दिया है यूजीसी ने उन्हें भी बिना कोई विचार किए दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देश में लोग हजारों की संख्या में रोज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, 16 लाख के करीब कोरोना के मामले जा पहुंचे हैं, ऐसे में ये परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। अगर कॉलेज की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस पर जजों ने कहा कि छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। सिंघवी की दलील थी कि कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो ऑनलाइन परीक्षा नहीं करा सकते हैं, अगर वो ऑफलाइन परीक्षा कराते हैं तो स्थानीय हालात और बीमारी के चलते बहुत से छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि यूजीसी ये कह रहा है कि उन छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन इन बातों से सिर्फ भ्रम फैलेगा, भ्रम बढ़ेगा छात्रों के बीच में, इसलिए बेहतर है कि परीक्षाओं का आयोजन रोक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट यूजीसी की गाइडलाइंस को रद्द करार दे। और जिस तरह से सीबीएसई के मामले में एवरेज मार्किंग के जरिए रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया गया था, वैसा ही कॉलेज परीक्षाओं के मामले में भी हो। इस बीच कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कोरोना को लेकर 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अभी भी लोगों के एक जगह जमा होने, स्कूल कॉलेजों को खोलने जैसी बातों पर रोक की बात कही गई है। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र में राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने भी नए निर्देश जारी किए हैं और स्कूल कॉलेजों को नहीं खोलने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय अपना रुख स्पष्ट करे और महाराष्ट्र में राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें भी रिकॉर्ड पर रखा जाए, हम सभी बातों को देखने के बाद आगे मामले पर कोई फैसला लेंगे। याचिकाकर्ताओं ने
कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि वो फिलहाल अंतरिम रोक लगा दे देश में जो परीक्षाएं चल रही हैं या जो होने वाली हैं उन पर। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मामला अंतरिम आदेश का नहीं है, हम विस्तृत सुनवाई के बाद ही कोई आदेश देंगे। यूजीसी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब कोर्ट ने आगे विस्तृत सुनवाई की बात कही है तो ये बिल्कुल साफ कर दिया जाए, क्योंकि कई छात्रों को ये भ्रम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई चल रही है ऐसे में परीक्षाएं रुक जाएंगी, टल जाएंगी या रद्द हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहे। जजों ने कहा हम ये साफ कर चुके हैं कि कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया जा रहा है और मामले में विस्तार से सुनवाई के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा। एक याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कोर्ट से एक अलग से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि असम और बिहार के बहुत सारे इलाके बाढ़ग्रस्त हैं, कम से कम वहां पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रोकने का अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट दे दे, लेकिन कोर्ट ने इस मांग पर भी कोई आदेश देने से मना कर दिया है। तो 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले पर आगे की सुनवाई करेगा, तभी ये तय होगा कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हो रही हैं या आगे होने वाली हैं वो जारी